यूपी पीजीटी मैथमेटिक्स राजकीय इंटर कॉलेज का 2016-17 का विज्ञापन के अकॉर्डिंग तो एग्ज़ाम हुआ है। एग्ज़ाम डेट था 23/9/2018। क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का वीडियो नंबर 2। एग्ज़ाम कंडक्ट करा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPSC इलाहाबाद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 एक वीडियो से इसकी आ चुकी है। क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन, जैसे कि क्वेश्चन ये है, ए एंड बी इकाई यूनिट इकाई सदिश है यानी यूनिट वेक्टर है। ए रूट बी इक्वल टू कॉस थीटा, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ मोड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम इस तरह नीचे सॉल्व कर रहे हैं। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा यानी कि ए डॉट बी इक्वल टू कॉस थीटा दिया है। ए प्लस बी के मोड का स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी के मोड का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ए डॉट ए मल्टीप्लाइंग इसका किया, ये ए स्क्वायर यहाँ पे बी स्क्वायर, ए स्क्वायर को वन लिख सकते हैं यानी यूनिट वेक्टर है, बी स्क्वायर को भी वन। ए डॉट बी, ए डॉट बी की जगह हमने रख दिया कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व किया जा रहा है तो टू ब्रैकेट में वन प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, वन से वन कैंसिल हो गया, फोर कोस स्क्वायर थीटा बाई टू यानी कि ए डॉट बी इक्वल टू यानी ए प्लस बी के मोड का स्क्वायर इक्वल टू फोर कोस थीटा बाई टू यानी कि ए प्लस बी का मोड इक्वल टू टू कोस थीटा बाई टू, ए प्लस बी का मोड इक्वल टू हो गया टू कोस थीटा बाई टू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका ओके आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, लैम्डा के किस मान के लिए लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस का 10xy प्लस 12y स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6y माइनस का 3 बराबर 0। एक सरल रेखा युग्म निरूपित करते हैं यानी कि सरल रेखा युग्म बनाते हैं। तो ऑप्शंस हैं ए 2, बी का 3, सी है 5, डी है 7। ठीक है, लैम्डा की वैल्यूज फाइंड करना है। तो सरल रेखा युग्म बनाते हैं, अब देख सकते हैं, कंपेयरिंग करेंगे पहले इसकी। जो क्वेश्चंस है हमारा, यह है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस का 10xy प्लस का 12y स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6y माइनस का 3 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का सी इक्वल टू 0। तो ए इक्वल टू लैम्डा एंड 2h इक्वल टू माइनस का 10, तो h इक्वल टू माइनस का 5 एंड बी इक्वल टू 12 एंड 2g इक्वल टू 5 एंड जी इक्वल टू 5/2 एंड 2f इक्वल टू माइनस का 6, f इक्वल टू माइनस का 3, c इक्वल टू है माइनस का 3। ठीक है, तो ट्राइंगल्स की रेखा युग्म बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, abc प्लस का 2fgh माइनस का af स्क्वायर माइनस का bg स्क्वायर माइनस का ch स्क्वायर इक्वल टू, अगर 0 आ जाता है ये क्वांटिटी तो सरल रेखा युग्म बनाते हैं, यानी कि इसकी क्वांटिटी 0 आ जाए तो आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे यानी कि इसको 0 रख देते हैं। ए की वैल्यू से लेमडा एंड बी है 12 एंड सी है माइनस का 3 प्लस का 2f माइनस का 3 है, जी है 5/2 एंड एच है माइनस का 5 माइनस का ए एफ स्क्वायर यानी कि लेमडा एफ स्क्वायर, एफ कितना है माइनस का 3 का हॉल ऑफ स्क्वायर माइनस का 12, जी है 5/2 का हॉल ऑफ स्क्वायर माइनस का सी एच माइनस का 3, एच की क्वांटिटीज है माइनस का 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू फाइंड करना है तो आसानी से लेमडा हम निकाल सकते हैं सॉल्व करके। 0 इक्वल टू माइनस का 36 लेमडा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 25 या 75 माइनस का 9 लेमडा और माइनस का 12 इंटू 25/4 माइनस माइनस प्लस 9 इंटू 25 चार या 12 यानी कि 0 इक्वल टू माइनस का 36 लेमडा प्लस का 75 माइनस का 9 लेमडा माइनस का 25/75 एंड ये 225 25 नंबर हो जाएगा 225। ठीक है, तो 0 इक्वल टू 36 माइनस ये होगा 45 लेमडा, 75 से 75 कैंसिल हुआ प्लस 225 यानी कि 225 इक्वल टू हो जाएगा 45 लेमडा, 45 नंबर 225 तो लेमडा इक्वल टू आ जाएगा 9। ठीक है, लेमडा इक्वल टू 9 आ रहा है ऑप्शन, तो शायद नहीं मिल रहा ऑप्शन में 2, 3, 5, 7 तो यहाँ पे कोई मिस्टेक हो सकती है। ए बी सी कुछ वैल्यू चेक कर लें एक बार फिर से। हाँ, तो मतलब मेथड यही है, इसी वैल्यूज में वैल्यूज पुट करना है और वैल्यू पुट करके जो कंडीशन आएगा उससे हम आंसर निकाल सकते हैं।
ठीक है, हो सकता है कि कोई इसमें मिस्टेक बन रही हो, ठीक है, तो इसका ऑप्शन में ही कोई ना कोई मिस्टेकिंग करेगा और कोई गलती मिल नहीं रही है, हो सकती है गलती कहीं हो, अपनी गलती हाथ ही नहीं आती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एक दीर्घ व्रत है, 42, एक दीर्घ व्रत के नाभिलंब की लंबाई उसके दीर्घाक्ष का 1/3 है। दीर्घ व्रत दिया है, दीर्घ व्रत में दीर्घ व्रत का नाभिलंब, नाभिलंब की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ द लेटर रेक्टम उसके दीर्घाक्ष का 1/3, 1/3 इंटू दीर्घाक्ष दिया है, ठीक है। नाभिलंब होता है 2b² / a एंड दीर्घाक्ष होगा 2a, ठीक है, अगर इस वाली फॉर्म में रखा हुआ है तो, ठीक है, नाभिलंब 2b² / a एंड दीर्घाक्ष होगा 2a, तो उत्केंद्रता e इसमें फाइंडिंग करना है। तो देख सकते हैं कि ये इधर मल्टीप्लाइंग में चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b² = 1/3a² फॉर्मूला होगा b² = a² एंड 1 - a², ठीक है। तो b² की वैल्यू पुट कर दें, 1/3a² = a² 1 - a², ये कैंसिल हो गया, 1/3 = 1 - a² एंड e² = 1 - 1/3 यानी कि 2/3 = आ जाएगा √2/3, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे थे ए, ऑप्शन इसके हमने नहीं दिए, तो ऑप्शन थे इस क्वेश्चन के √3/2, बी ऑप्शन था √2/3, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट आ चुका है, सी है 1/√6 एंड डी है √3/2, ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका ओके हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाँ, एक रेखा है, क्वेश्चन नंबर 44 ले रहे हैं, एक्स कोस अल्फा प्लस का वाई साइन अल्फा = 5 अति परवलय x²-y²=1 को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, थोड़ा सा नया सा क्वेश्चन लग रहा है, अति परवलय को इतने को स्पर्श करता है, तो कंडीशन है, ऑप्शन दिया φ = cos²α, बी ऑप्शन है φ = sin²α एंड सी ऑप्शन है φ = cos²α एंड डी ऑप्शन है φ = sin²α, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन दिया है, सॉल्यूशन निकालना है, एक्स कोस अल्फा प्लस का वाई साइन अल्फा = 5, ठीक है। तो यहाँ एक अति परवलय का फॉर्म होता है x²-y²-b²1, अगर लाइन y = mx + c इतने को स्पर्श करती है, को स्पर्श करती है, तो स्पर्शी का प्रतिबंध यानी कि c²=a²m²-kb² हुआ करता है, यानी कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इसको कह सकते हैं, स्पर्शी का प्रतिबंध। तो इसको, इस लाइन को y = mx + c की फॉर्म में कन्वर्टिंग करते हैं और x²-y² इससे कंपेयरिंग कर लेंगे, यह होगा x cos α + y sin α = 5 है, तो इसको देखते हैं, y sin α होगा -x cos α + 5 एंड y = -x cos α / sin α + 5 / sin α, कंपेयरिंग करेंगे y = mx + c से कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है, y = mx + c से कंपेयरिंग करेंगे, तो m = आ जाएगा -cos α / sin α एंड c = होगा φ / sin α, ठीक है। और जो कंडीशंस हमारे पास थी वो कौन सी, x²/a² यानी x²/1 - y²/1 = 1 था, जो अति परवलय दे रखा है वहाँ पे a² = 1 हो जाएगा एंड b² = 1 हो जाएगा। तो m, ये इनकी क्वांटिटीज हम निकाल चुके हैं, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यानी स्पर्शी का प्रतिबंध उसमें वैल्यूज अगर पुट कर देते हैं तो आंसर निकल आएगा। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी था c²= a²m²-kb², ठीक है। तो c की जो क्वांटिटीज आई थी, m की क्वांटिटी से था -cos α / sin α, c है φ / sin α, तो φ / sin α का होल ऑफ स्क्वायर = a² की वैल्यू 1, m की वैल्यू था -cos α / sin α का होल ऑफ स्क्वायर -b² यानी कि 1, तो अगर φ² / sin² α = cos² α / sin² α - 1, ठीक है, तो b² / sin² α = LCM या sin² α, तो ये हो जाएगा cos² α - sin² α, तो कैंसिल हुआ, देन b² =
कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, देन एंड बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कोस टू अल्फा, सॉरी फाइव फाइव चल रहा फाइव स्क्वायर, फाइव स्क्वायर इक्वल टू कोस टू अल्फा। तो ये ऑप्शन आ गया है फाइव स्क्वायर इक्वल टू कोस टू अल्फा, सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, सी ऑप्शन, ठीक है। फाइव स्क्वायर इक्वल टू कोस टू अल्फा इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 45 नंबर, जो क्वेश्चन अगर अभी नहीं कराए हैं उनका सबका नंबर ट्रिक है, याद है कौन, उनको एक साथ बाद में करा देंगे, ठीक है। ऐसा ना सोचिए कि ये छूटा है, वो सब हमको ध्यान है, इसकी नियता निकालनी है, ठीक है। ए ऑप्शन है एक्स प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो, बी ऑप्शन है एक्स प्लस का फोर इक्वल टू ज़ीरो, एंड सी ऑप्शन है वाई प्लस का फोर इक्वल टू ज़ीरो, एंड डी ऑप्शन है वाई प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इसकी नियता यानी कि डायरेक्ट्रिक्स हमको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला ये है वाई स्क्वायर माइनस का फोर वाई इक्वल टू एट प्लस फोर एक्स, ये फॉर्म में लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस का फोर वाई प्लस का फोर माइनस फोर इक्वल टू फोर एक्स प्लस एट, ठीक है। ये बन जाएगा वाई माइनस टू का हॉल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स प्लस का ट्वेल्व, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा फोर कॉमन लेंगे, एक्स प्लस का थ्री एंड वाई माइनस टू का हॉल ऑफ स्क्वायर, इसको कैपिटल वाई मान लेंगे एंड कैपिटल एक्स एक्स प्लस थ्री को मान लेंगे, तो यह हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। कंपेयरिंग करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स से कंपेयरिंग करेंगे, फोर इक्वल टू फोर यानी ए इक्वल टू वन, ठीक है। तो जनरल सी यानी पहली वाली फॉर्म आ रहा है, तो इसमें नियता जो होती है एक्स इक्वल टू माइनस ए हुआ करती है नियता, ठीक है। नियता निकालनी है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, जो पहली वाली फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म में नियता एक्स इक्वल टू माइनस ए, नियता यानी डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू माइनस ए होता है, तो एक्स की जगह पे चल रहा हमारा एक्स प्लस थ्री इक्वल टू माइनस ए, ए की जगह पे क्या है वन है, यानी कि एक्स इक्वल टू माइनस फोर यानी कि एक्स प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। एक्स प्लस का थ्री इक्वल टू माइनस वन या एक्स प्लस का फोर इक्वल टू आ गया ज़ीरो, एक्स प्लस का फोर इक्वल टू ज़ीरो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी था इसका एक्स प्लस का फोर इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आगे, जो भी पॉसिबल्स रहेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए एक आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। इसमें मॉडर्न अलजेब्रा के काफ़ी क्वेश्चन डाले हुए हैं, चलो उसको भी कराते हैं सारी चीज़ें धीरे धीरे, कुछ चीज़ें बतानी पड़ेंगी अभी। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा एच एंड के एक समूह है, एक समूह जी के उप समूह है, मतलब कोई समूह यानी कि ग्रुप्स के सब ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। यानी कि ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू सेवन है, ऑर्डर ऑफ के इक्वल टू थर्टीन है, देन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के क्या होगा, किसके बराबर होगा, वी छः है सी सेवन है डी थर्टीन है। देखिएगा कोई जी जी है, जी के कोई ग्रुप है, यानी एच बिलोंग्स टू जी कर रहा है एंड के भी बिलोंग कर रहा है जी में, तो ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ जी है एंड ऑर्डर ऑफ के है, सॉरी ये ऑर्डर ऑफ ये सेवन है और ऑर्डर ऑफ के थर्टीन है, ठीक है ना। यानी किसी ग्रुप में है, इसमें सात एलिमेंट है, इसमें तेरह एलिमेंट है, इनका इंटरसेक्शन में भी कितना हो सकता है, यानी कि सात इसमें है, इसमें तेरह एलिमेंट है, तो तेरह कॉमन हो नहीं सकते, मैक्सिमम जो हो सकते हैं कॉमन पार्ट वो छः सात एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें लाई कर रहे हों, तो एच ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के जो है सेवन हो सकता है, ठीक है, तो तेरह नहीं हो सकता है। बाकी उन्होंने कहा नहीं है कौन कौन से एलिमेंट मैच कर रहे हैं, क्या कुछ दिया नहीं है, उप समय है, तो ऑर्डर ऑफ एच सेवन है, ऑर्डर ऑफ के अगर थर्टीन है तो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन का जो ऑर्डर है वो सेवन में भी हो सकता है, यानी कि सात एलिमेंट इसके साथ उसके साथ में कॉमन कर रहे हों, ठीक है। तो ये कंडीशन इसमें पॉसिबिलिटीज दिखा रही है, यानी कि ये कंडीशन इसमें आ सकती है। अलजेब्रा बहुत ज़बरदस्त डाला, काफ़ी चीज़ें अलजेब्रा में भी, ट्रांसफॉर्म और लीनियर काफ़ी चीज़ें हैं, वेक्टर स्पेस काफ़ी चीज़ें अब करानी पड़ेंगी, तो इसको जो है अब हम स्टार्ट कर ही देते हैं।
एक क्वेश्चन आगे देते हैं। वेक्टर आर कैप दिया है, वेक्टर आर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर आर, क्वेश्चन नंबर 61 है, और आर इक्वल टू है मोड ऑफ वेक्टर आर हुआ करता है। डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर आर की वैल्यू फाइंड करना है, डाइवर्जेंट इन डेल डॉट वेक्टर आर, डाइवर्जेंट ऑफ आर कैप है शायद, डाइवर्जेंट ऑफ आर कैप, ठीक है ना। तो डाइवर्जेंट होता है डेल डॉट हुआ करता है, ठीक है ना। इसके जो क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं वो है 1/r, 2/r, 0 एंड डी है नॉन, ठीक है। इस तरह से इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आर कैप की वैल्यू रखते हैं वेक्टर आर बाई आर, वेक्टर आर है एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के अपॉन आर, यानी कि आर कैप इक्वल टू एक्स अपॉन आर आई प्लस का वाई अपॉन आर जे एंड जेड अपॉन आर के, एंड डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर आर कैप, डाइवर्जेंट यानी कि डेल डॉट आर कैप, डेल होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई, जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस का के डेल अपॉन डेल जेड इंटू आर कैप है एक्स अपॉन आर आई प्लस का वाई अपॉन आर जे प्लस का जेड अपॉन आर के, ठीक है। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे इस तरह से कर लेंगे, एक्स अपॉन आर प्लस का डेल अपॉन डेल वाई, वाई अपॉन आर प्लस का डेल अपॉन डेल जेड, जेड अपॉन आर, ठीक है। तो इस तरह से ये कंडीशंस आ जाएगी। यहाँ पे होगा आर स्क्वायर आर डेल अपॉन डेल एक्स एक्स माइनस का एक्स डेल अपॉन डेल एक्स आर प्लस का आर स्क्वायर आर डेल अपॉन डेल वाई वाई माइनस का वाई डेल अपॉन डेल वाई आर प्लस का आर स्क्वायर आर डेल अपॉन डेल जेड जेड माइनस का जेड डेल अपॉन डेल जेड आर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डिफरेंस कर दिए हैं, डिफरेंशिएशन कर दिए हैं आर इंटू वन माइनस का एक्स, डेल आर बाई डेल एक्स होगा एक्स अपॉन आर हुआ करता है, एंड आर वन वाई इंटू वाई अपॉन आर ये होगा आर स्क्वायर प्लस का आर वन जेड जेड अपॉन आर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई आर, आर स्क्वायर आर माइनस का वाई स्क्वायर बाई आर, ये कंडीशन बन गया वाई स्क्वायर बाई आर अपॉन आर स्क्वायर एंड आर माइनस का जेड स्क्वायर बाई आर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे वन अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, थ्री आर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन आर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन आर माइनस का जेड स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये कंडीशंस बन जाएंगी, यानी कि वन अपॉन आर स्क्वायर थ्री आर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर अपॉन आर, तो ये हो जाता है, ये होता है आई स्क्वायर, ठीक है। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई स्क्वायर होता है, ये कैंसिल करेंगे, वन अपॉन आर स्क्वायर होगा टू आर, अंदर टू आर बचा, टू आर बाई आर यानी कि टू अपॉन आर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या क्वांटिटीज आई हैं, टू अपॉन आर इसका आंसर आ चुका है, यानी कि डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर आर कैप इक्वल टू टू अपॉन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए यूनिट वेक्टर्स दिया है, ए यूनिट नॉर्म वेक्टर टू द सरफेस, ए यूनिट वेक्टर टू द नॉर्म सरफेस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन 63 है, द यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स टू द सरफेस एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू प्लस का थ्री एक्स वाई जेड इक्वल टू वन एट द पॉइंट वन टू माइनस वन। तो इसमें यूनिट नॉर्म निकालना है, थ्री जे प्लस का ये टू के है ऑप्शन, एंड बी है वन अपॉन अंडर रूट फोर्टीन माइनस आई प्लस का थ्री जे प्लस का टू के, एंड सी है माइनस का थ्री आई प्लस का नाइन जे प्लस का सिक्स के, एंड डी है थ्री आई फोर जे एंड फाइव के, ठीक है। तो यूनिट नॉर्म निकाल के चलना है, डेल पहले तो इसका एन इसके वेक्टर बनाना होगा, वेक्टर की पोजीशन में पॉइंट के अकॉर्डिंग लेंगे और उसके बाद इसका नॉर्म बना दिया जाएगा। तो डेल फाइव पहले निकालना होगा, ठीक है ना। हाँ, इसका डेल फाइव निकाल के फिर इसका नॉर्म निकालना होगा, मोड ऑफ डेल फाइव निकाला जाएगा, ठीक है। एंड नॉर्म ऑफ वेक्टर होगा डेल फाइव अपॉन मोड ऑफ डेल फाइव,
इस तरह से वेक्टर निकाला जाएगा इसका, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डेल्फाई निकालना पड़ेगा, फंक्शंस को यूनिट वेक्टर्स को इसकी फॉर्म में लेना पड़ेगा वेक्टर्स की।